बिल्कुल पहले मुझे बिल्कुल बेसिक्स का नहीं पता था ग्राफिक डिज़ाइनिंग के, लेकिन कोर्स करने के बाद मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। योर गुड नेम मैम? रिदा फारूक। आप बैच 2 की स्टूडेंट हैं जी। तो आपकी डोमेन कौन सी थी? ग्राफिक डिज़ाइनिंग। ग्राफिक डिज़ाइनिंग, तो आपको कैसा फील हो रहा है, मतलब आपको क्या नॉलेज दिया गया, मतलब आप उसको लगता है कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हैंडसम नॉलेज था कि आप उसे सस्टेन कर सकती हैं इंटरनेशनल मार्केट? जी बिल्कुल, पहले मुझे बिल्कुल बेसिक्स का नहीं पता था ग्राफिक डिज़ाइनिंग के, लेकिन कोर्स करने के बाद मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। ठीक है, तो PFTP ज्वाइन करने से पहले मतलब आपके पास नॉलेज वर्थ क्या थी और आज क्या है? PFTP से पहले मेरे पास बिल्कुल ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोई नॉलेज नहीं था, लेकिन कोर्स करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास बहुत सारा नॉलेज है कि मैं पोस्टर्स और डिज़ाइन लोगो वगैरह। आपको क्या लगता है कि आपने जो PFTP इधर से ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स किया है, तो आप उसके साथ फ्रीलांसिंग कर सकती हैं, मतलब आपको अच्छा प्रोजेक्ट मिल जाएंगे? जी बिल्कुल इंशाल्लाह। और आपको आज सर्टिफिकेट्स वगैरह कोई अवार्ड या मेडल लैपटॉप मिलेगा, तो आप उसके मुताबिक आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। और आप अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को क्या रिकमेंड करेंगी इस मामले में कि आप वो PFTP ज्वाइन करें, या फिर उनको किस तरह का प्लेटफॉर्म चूज़ करना चाहिए? जी मैं बिल्कुल रिकमेंड करूँगी PFTP का, बल्कि मैंने अपने फ्रेंड्स को कहा भी है कि वो ज़रूर ज्वाइन करें PFTP। यू आर पर्सनली सेटिस्फाइड? जी थैंक यू।